ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। शामिल आई जी। अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां नूं। अज मैं तुहाडे वास्ते जिहड़ा एक नवीं घोड़ी लैके आया तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ते मूँह इहदी उम्र जिहड़ी उह 3 साल है तो 2.5 लेकिन 3 साल इहदी उम्र हैगी है। मैं मूँह पट के तुहानूं विखाना इस तो पहला घोड़ी दे बारे दे विच तुहानूं मैं दस देवां कि ये घोड़ी बतौर राइडिंग वास्ते इस्तेमाल हुंदी पई है और मेरे दोस्त ने उन्होंने कोल घोड़ी उन्होंने नाल भी तुहाडी गलबात मैं करवावांगा इस वीडियो दे विच। ते ये जनाब घोड़ी राइडिंग वास्ते इस्तेमाल हुंदी पई है तो घोड़ी की उम्र भी तुहानूं मैं दस दित्ती। मूँह पट के मैं तुहानूं विखा दिंदा ताकि तुहानूं पता लग जाए कि घोड़ी की वाकई ही उम्र इन्नी। लो जी तुसीं मेरी गल ते यकीन ना करिया जे तुसीं घोड़ी दे दंद आप तुसीं वेख लो। ते इह विछेरी है जी वेचण वास्ते भाई ने जिहड़ी है वह इत्थे खड़ी कीती है ते विछेरी तुसीं पट्ठे खांदी भी वेखी जे ते इहदी जिहड़ी ना हुण ट्राई शराई भी लैंदे आ ते वेखने आ कि ट्राई दे दौरान ये विछेरी की करदी की है ते बाद दे विच फिर इहदी कीमत भी तुहानूं दस्सांगे। ते अगर तुसी हाले तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो और बैल आइकॉन नूं तुसी जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे पहुँच सके। लो जी जनाब घोड़ी करने हुण भरावां दे हवाले ते नाले तुहानूं दिखावांगे इस घोड़ी का कड़ियाला वगैरह किवें पाईदा बाद दोस्तों भाइयों नूं ये पता नहीं लगता कि कड़ियाला किवें पाईदा ते लिहाजा जिहड़ा ये कड़ियाला हुणे पाणगे भाई उरे ते इहदी लैंदे आ ट्राई ते साडे नाल रहा जे। लो जनाब भाजी बिस्मिल्लाह करो जाना। लो जी कड़ियाला देखो किस तरह पाया जाता है। कोशिश करा करो कि सादा कड़ियाला ना पाया करो। नारी लै नारी हैगी ना नारी कसाई हुई वह किधरों लभ ला उन्दे नाल फिर यह है कि डंगर जो 19-20 भी करता हो ना तो नारी उन्हें उस वेले काबू कर लेंदी। हाँ सादा कड़ियाला वह घोड़ा बंदा उन्होंने पावे जिहड़ा वेखे भी सऊ है इन्हें बादां छड़ भी दित्तियां तो टुरिया जाएगा तो जिहड़ा वेखो ना कि 19-20 करता वह नारी लैके ना कंडे वाली नारी उन्हें सान नाल कसवा ला। भाजी बिल्लू जिहड़ा मुंडा है अहमद दे फ्रेंड हैगे ने ते वो लैके चलिया जरा घोड़ी नूं ते घोड़ी उत्थों जिहड़ा वह दरख्त सुक्का दरख्त दिसदा पिया जे इत्थों घोड़ी बहेगा तो घोड़ी दे उरां नूं छड्डेगा तो माशाल्लाह भाज जिहड़ी है वह तुहानूं पता लग जाएगा भी घोड़ी की करदी है। एक जिहड़ी विछेरी होवे ना पिछे वह हिणकदी पई है उहनूं इह हैगा कि पता नहीं किधर लैके चला गई है घोड़ी तो वह तां पर उहने जिहड़ा ना वह वेख ना थोड़ा जिहा रस्से पैड़े तुड़ांदी पई है। तो लो जी बिल्लू लैके चलिया जे घोड़ी तो घोड़ी दे उत्ते हुण पवेगा बहेगा तो यह लीह उत्ते घोड़ी आएगी तो घोड़ी दारा तुसीं गौर नाल वेखनी जे एक दो ट्राइयां आपां इत्थे लीह दे उत्ते जिहड़ियां ने ना उहदियां पूरियां करांगे ताकि तुहानूं जिहड़ा ना घोड़ी दे बारे दे विच पूरी मालूमात मेरे भरावां नूं मेरे वीरां नूं उह लग जावे। तो यह जो घोड़ी अगर तुसीं लैणा चाहुंदे जे तुहाडी समझ दे विच आवे कि नवाज़ भाई सानूं घोड़ी लै दिओ तो आपां जिहड़ा अहमद भाई दे नाल गल कर लांगे तो घोड़ी इंशाअल्लाह तआला तुहानूं इह लै देवांगे। इहदी कीमत भी बहुत मकूल है वीरो ते जिहड़ा हैगा माशाल्लाह पैसे भी कोई इन्ने ज़्यादा नहीं है घोड़ी भी पिट सवारी वाली हैगी भजन वाली घोड़ी हैगी टांगे टूंगे रेड़े रूड़े घोड़ी नहीं लगी हुई तो जनाब उन्होंने जिहड़ा ना हुण घोड़ी बेचनी है ये अहमद भाई ने साडे इन्हां दा जिहड़ा हैगा स्टूडेंट हैगे ने
और इन्होंने अपनी राइडिंग वास्ते अपने शौक वास्ते जेलम तो घोड़ी ली सी। हुण जिहड़ा ना वेचना चाह रहे हैं क्योंकि एक उन्होंने कोल बछेरी जिहड़ी रस्से पैरे तुड़ा दी पई है, ये उन्होंने कोल हैगी। एक ब्लैक रंग की घोड़ी है वह भी उन्होंने कोल हैगी है। लिहाजा ये कहते हैं कि असी ब्रीडिंग वास्ते जिहड़ा ना सानू एक घोड़े की जरूरत, असी वेच के एक घोड़ा लैना ताकि इन्हां कोलों बच्चे असी लै सकीए। तो ये जनाब सी हकीकी गल है जी असी तुहाडे नाल शेयर की है ताकि तुहानू इह ना पता लगे कि बाबा नवाज तू साडे नाल पता नहीं की चक्कर पाउंदा पिया। लो जी वो घोड़ी जी है वो इधर नू लई आंदा है ते ओ ली नू चढ़ा इहनू मुकम्मल है ना, मतलब सेट नहीं ना हो गया ना हो गया। छड़ 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 ओ जाना बिल्लू नू भी नहीं आंदा ओ नहीं इतने प्लेयर नहीं ना है। छड़ छड़ इहनू वो त्याग रोकी देखा यार नू लिया फिर पॉज करती छड़ छड़ इनू अड्डी मार इनू मार मार अड्डी इनू साहब वो देखो तेरी बिल्कुल सामने जाके दिख रही इन्हों का पैसा भी बड़ा हो गया लो जनाब है दो घोड़ियाँ खड़ोतियां ने, दूसरी घोड़ी भी अहमद भाई दी है लेकिन वो सेल आउट नहीं कि उन्होंने करनी। यो जी लाल है जी भज के आई तो जिंदी तुम ट्राई वेखी घोड़ी की, ये घोड़ी उन्होंने सेल आउट करनी है। तो लो जी असी अहमद भाई नाल गलबात करने जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अच्छा अहमद भाई तुम ये पहले दसो कि तुम्हें ये शौक किमें पैदा हो गया घोड़ी का? असल में मुझे शौक है सरकार की सुन्नत अदा करने का जी, इसलिए मैंने उसी के मुताबिक लिया कि सरकार की सुन्नत अदा करूँ सवारी करके इसके ऊपर। ठीक है बस, और मेरे अंदर मतलब इस शौक की सिर्फ इसी वजह से इसके लिए। तो आप किस मैंने आपने बताया भी है कि मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं आप? जी मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर मतलब पेपर अभी आने वाले हैं। ठीक हो गया। सेकंड ईयर क्लास का स्टूडेंट हूँ मैं भी। तो आपने ये घोड़ी कहाँ से ली थी आप? मैंने ये झेलम से ली थी। अच्छा जी, तो अभी आप ये घोड़ी बेच के नई घोड़ी लेंगे या क्या करेंगे, आपका अगला प्लान क्या है? ये बेच के मैं घोड़ा लूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो घोड़ियाँ मौजूद हैं। अच्छा, एक माँ है और एक इसकी बछेरी है। अच्छा ठीक है, तो उसके मैं ब्रीड करा के एक मतलब नई आगे ब्रीडिंग लूंगा उसकी। यानी तुसी कहंदे पए जे के इंदे बच्चे घोड़ी दे लावांगे ते अगे फार्मिंग करांगे? फार्मिंग करेंगे। ठीक है, तो तुसी ए दस्या जे कि अपने पंजाब दे विच घोड़ियां दी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तुसी की ख्याल करदे जे कि साडे पाकिस्तान भी जिस तरह साडा हमसाया मुल्क है इंडिया है उत्थे फार्मिंग करदे ने और अच्छी अच्छी नस्ल दे मारवाड़ी और जिहड़े घोड़े ने अच्छे पैदा करदे ने और उहनां दी एक समझ लो कि तुसी बहुत अच्छा बिजनेस भी है जी, बिल्कुल। ते तुसी की समझदे जे कि साडे पाकिस्तान दे विच भी इस तरह दे लोकां नूं करना चाहिदा ते अच्छी और जिहड़े ने बच्चे लैने चाहिदे ने ताकि साडा मुल्क दा भी नुमाइंदगी जिहड़ी उच्ची होवे ते उहनां भी साडे पाकिस्तान दा भी नां रोशन होवे जी। बिल्कुल, असे हमें चाहिए कि हमें मतलब पाकिस्तान को भी एक अच्छी नस्ल दरकार है जो कि मतलब कि हमारे हमसाए मुल्कों में मौजूद है लेकिन हम लोग यहाँ पे शौक नहीं रखते कोई बंदे, अगर ज़्यादा ज़रा शौक किया जाए तो मतलब अच्छे से अच्छी नस्ल निकला सकता बंदा जी, जी। ये मेरा इनका मतलब तो होया कि तुसी भी माशाल्लाह हुण काम शुरू कर दिता फार्मिंग दा ताकि जेड़ा हैगा तुसी भी अच्छे अच्छे बच्चे लवो ते इस शौक नु जेड़ा ना मजीद बरकरार रहे ते नाले अगे वधे जी। बिल्कुल सही। लो जनाब ऐसी जेड़े साडे नाल अहमद भाई, तो जनाब अहमद भाई ने जड़ा तुहाडे नाल तारफ मैं करवाया है तो ये घोड़ी जी अहमद भाई की ट्राई जी तुसी लई जे देखी जे, तो जनाब अगर ये घोड़ी तुहानू चाहिए है तुसी लेना चाहते जे तो ये घोड़ी तुहानू मिल सकती है तो बहुत जायज़ मुनासिब इनकी कीमत हैगी है, इनकी कीमत सिर्फ 1,00,000 रुपया है। तो अगर ख्वाहिशमंद जे तुसी लैण दे ते तुसी मैनू कॉल करो कमेंट करो, तो अगर तुसी लेना चाहते जे तो मेरा जो नंबर है वो 0334-4150-962 मेरा नंबर है जी, वट्सएप भी मेरा यो ही नंबर है, तो जल्दी जल्दी फोन चुको तो मेरे ना करो राबता तो फिर असी अहमद भाई को आके इंशाअल्लाह तआला एक घोड़ी तुहानू दवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तो इजाज़त चाहना जनाब, अल्लाह।